दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे STP नेटवर्क के STPT कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.055 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप रिसेंटली इसकी प्राइस में देखने को मिला और कल से अभी तक ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा का क्विक पंप देखने को मिला। 0.050 वाले लेवल से इसने 65 वाला लेवल ट्राई किया और अभी भी अच्छे खासे लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। आपने अगर रिसेंट 5 डे एगो का हमारा वीडियो वॉच किया होगा, जिसमें हमने इस कॉइन में एंट्री लेवल शेयर किए थे, टारगेट्स भी बताए थे, दोनों आपको अगर आपने बाई किया होगा तो अभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा और जो टारगेट्स बताए थे वो हिट हुए हैं, आपने प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। अगर नहीं किया है, आपने अगर बाई भी नहीं किया है, फिर बाई करके सेल नहीं किया है, तो अभी रिसेंटली आपके लिए टारगेट क्या रहेंगे, कहां पर आपको सेल आउट करना है, एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। करंटली कॉइन 0.0553 पर ट्रेड कर रहा है, एक सिंगल कैंडल में हमें यहाँ पर इसने दो कैंडल में 15 मिनट के कैंडल में ब्रेकआउट लिया, प्राइस में वहाँ पर एक आध बार और उछाल देखने को मिला और वापस डंप देखने को मिला। 0.050 वाले लेवल से इसने ट्राई किया था। हमने यहाँ पर 1 अप्रैल को इस कॉइन में 0.046 और 0.044 वाले दो लेवल पर आपको बाई करना था और यहाँ पर अगर देखें तो इसने 46 वाले लेवल तक प्राइस चली गई थी, यहाँ पर आपने इस कॉइन में एंट्री ली होगी। उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप उस वीडियो को भी वॉच करें और आपको समझ आए कि किस टाइप से रेगुलर बेसिस पर हम जो कॉइन आपको शेयर करते हैं उनमें ब्रेकआउट्स होते हैं और आप एक अच्छा खासा 20-30% का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और यही चीज़ मैंने इसमें बताई थी कि इस कॉइन में कुछ डे डिस्टेंसेस पे ब्रेकआउट्स होते रहते हैं जो कि ईजिली 20-30% के रहते हैं और उन ब्रेकआउट्स को हमें अच्छे लेवल पर इस कॉइन में एंट्री लेकर ग्रैब करना है। जैसे प्रीवियसली भी ये ब्रेकआउट्स हुए थे, इस टाइप का ब्रेकआउट अभी मैंने आपको बताया था कि ये कॉइन इजीली 60 से ऊपर वाले लेवल को ट्राई कर लेगा, जो कि प्रीवियसली इसने 61 वाले लेवल ट्राई किया था, इससे ऊपर वाले लेवल को ईजिली ट्राई कर लेगा और आपको 20-30% का प्रॉफिट देकर चला जाएगा। उसमें हमने 0.046 वाले लेवल पर एंट्री शेयर की थी, टारगेट बताए थे, फर्स्ट टारगेट था 0.056 वाला लेवल जहां पर आपको अपना 60% पार्ट सेल आउट करना था, 0.059 वाला सेकंड लेवल था जहां पर 40% पार्ट सेल आउट करना था। दोनों टारगेट्स हिट हुए हैं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वालों के हिट हुए हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म जो पर्सपेक्टिव से एंट्री लिए हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से एंट्री ली थी, उनके लिए टारगेट हमने बताया था 0.065 वाला लेवल। शॉर्ट टर्म वालों का भी इजीली 40% का जो टारगेट रहता है, 40-50% का, वो हिट हुआ। तीनों चीज़ें हिट हुई। इसके अलावा किसी का कमेंट्स आया था, हमारे रेगुलर व्यूअर है, उनका कमेंट आया था कि मैंने 5 INR का राउंड बाई किया था, इस कॉइन को कब तक रिकवर होगा, तो उनके लिए ही मैंने वीडियो भी बनाया था और भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उनको बताया भी था कि 1-2 दिन में आपको बहुत जल्दी इस कॉइन में रिकवरी देखने को मिलेगी और आपका जो लेवल है वो हिट होगा, आपको सेलमेंट लगानी है। अब आई होप उन्होंने इस कॉइन को सेल किया होगा रिकवरी एरिया पर, क्योंकि 5 INR से ऊपर चली गई थी प्राइस। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अभी आपको क्या करना है। अभी अगर आपने इस कॉइन में हमारा वीडियो वॉच करके एंट्री ली या फिर जो भी जैसे भी एंट्री ली थी, लेकिन अगर आपकी एंट्री 50 से नीचे है, 47, 48, 46, 45 का राउंड है, तो अभी आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, तो ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो इस कॉइन को 0.055 वाला रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने अभी ब्रेक किया है और उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर 55 से ऊपर डेली क्लोजिंग करता है तो 55 वाला एरिया इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर नीचे की तरफ इसको 0.047 वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, जिसको पिछले ऑलमोस्ट 20 डेज से इसने मेंटेन किया हुआ है। तो इन लेवल्स के बीच अगर 47 से ऊपर मेंटेन रहता तो 47 वाला लेवल इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा, अगर 55 से ऊपर डेली क्लोजिंग करता तो 55 वाला सपोर्ट एरिया और ऊपर की तरफ 0.066 वाला इसको रेजिस्टेंस एरिया फेस करने को मिलेगा। बात करते हैं आपके लिए टारगेट्स की। तो जिन लोगों ने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री ली है रिसेंटली और सेल नहीं किया है, उनके लिए सेम टारगेट रहेगा, 0.056 वाले लेवल पर आपको अपना 60% पार्ट सेल आउट करना है और एग्जिट हो जाना है, क्योंकि
ब्रेकआउट हुआ, आप अगर देख सकते हैं ब्रेकआउट, इसी टाइप का ब्रेकआउट इस कॉइन में देखने को मिलता है। ब्रेकआउट हुआ, प्राइस वापस नीचे की तरफ डंप देखने को मिल जाता है। हर बार ऐसा ही होता है नॉर्मली। तो इस कॉइन में आपको सिर्फ ये जो ब्रेकआउट है, ये जो वोलेटिली है, इसको ग्रेप करना है और 20-30% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो यही चीज़ें, अभी आपको वापस अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है जिसके चांसेस कम है, लेकिन 5-6 के अराउंड तो अब ये ट्रेड कर ही रहा है, तो 5-6 वाला लेवल तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सेकंड लेवल है जहाँ पर आपको 0.059 पर बाकी 40% पार्ट सलाव करना है, तो 59 के लिए हो सकता है आपको एक दो दिन वेट करना पड़ सकता है या फिर 3-4 दिन भी वेट करना पड़ सकता है। और बड़ी अच्छी बात है अगर आज भी ब्रेकआउट हो जाए वापस, नॉर्मल मूवमेंट जैसे करेक्शन होता है, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर थोड़ा सा एक आध मूवमेंट में जो एरिया ट्राई किया, जो 6.5 वाला एरिया ट्राई किया, उससे नीचे 6.1-6.2 को ट्राई कर लेगा, तो इस टाइप से करेक्शन होता है। तो अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करेगा तो ये 6.0 तक वापस जा सकता है। तो उसमें आपको 5.9 के राउंड में सेकंड जो टारगेट है वो वहाँ पर आपको 40% पार सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशो में 5.6 और 5.9 पर सेल आउट करके एग्जिट हो जाना है, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का टारगेट रखते हैं, उनके लिए सेम 0.065 वाला लेवल टारगेट रहेगा। जहां तक अगर आपने 4.6-4.7 के अराउंड बाई किया तो आपको 40-45% तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रिसेंटली इस कॉइन में एंट्री ली है, तो भी आपको लॉन्ग टर्म में ये कॉइन अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। अच्छी रिकवरी इस कॉइन में बैक टू बैक देखने को मिल रही है, डे बाई डे इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अपने बॉटम वाले लेवल से अगर बात करें 0.023 वाले लेवल से, तो अभी भी ये कॉइन ऑलमोस्ट 120-130% अप के अंदर है। तो अच्छा खासा मूवमेंट लिया है इस कॉइन ने, और एंड ऑफ 2023 की बात करें अगर, तो वहाँ तक भी आपको ये कॉइन अच्छा खासा प्रॉफिट देकर चला जाएगा। बाकी जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली थी, जिन लोगों ने बाई नहीं किया है, उनको अभी वेट करना है, क्योंकि अभी आपको इस कॉइन में ब्रेकआउट है। हम वेट करेंगे थोड़ा सा, 5.0 से नीचे जब प्राइस आएगी, 4.8-4.9 तक वापस आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 3-4 दिन 5-6 दिन 10 दिन बाद भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऊपर के लेवल पर बाई नहीं करना है। 5.0 से नीचे जब प्राइस आती है तो दो पार्ट में आप बाई कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो के थ्रू आपको एंट्री पॉइंट वगैरह शेयर कर दूंगा। बाकी जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएं, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएं। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। थैंक यू।